राइट सो वी हैव सीन कि प्लान्ड वैल्यू क्या है और अर्न्ड वैल्यू क्या है, और मैंने कहा एक तीसरी चीज़ है जिसको हम एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। एक्चुअल कॉस्ट क्या है? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी जो एग्जांपल हम कर रहे हैं उसमें हमने कहा कि यार हमने एक 10,000 का काम प्लान करना था, या मैंने कहा कि फर्स्ट वीक में, सॉरी प्लान नहीं करना था, हमने प्लान किया हुआ है कि फर्स्ट वीक के अंदर मुझे ये दीवार बनानी है या वॉल बिल्ड करनी है, और मैंने कहा कि इस वॉल का जो ऑथराइज बजट है या इस वॉल की जो वर्थ है मेरे एस्टिमेट के मुताबिक या जो अप्रूव काम है, इट इज 10,000। और मैंने ये कहा कि इसकी प्लान वैल्यू बेसिकली 10,000 है, तो चाहे मैं कहूँ इस दीवार की 10,000 है या मैं ये कहूँ कि फर्स्ट वीक में अगर सिर्फ एक ही काम हो रहा है और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो मैं कहता हूँ कि यार इसकी प्लान वैल्यू 10,000 है। दूसरी चीज़ हमने कहा कि यार हमने इसमें से कितना काम कर लिया है, उसको हम कहते हैं अर्न वैल्यू, ठीक है। और हमने अस्यूम ये किया था कि मैंने 80% ऑफ द वॉल वो बिल्ड कर ली, ठीक है। ये जो 80% ऑफ द वॉल बिल्ड कर ली है, मेरी नज़र में इसकी जो वर्थ थी या जो इसका अप्रूव बजट था या जो इसका असाइंड बजट था वो था 8,000। मुझे ये पता है कि जब इतनी दीवार बने तो 8,000 का ये काम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब एक्चुअली इस पे कितना लगा? वॉल मैंने 80% बिल्ड की, लेकिन जब मैंने अपनी इनवॉइसेस चेक की, जब मैंने अपने अकाउंट्स देखे, जब मैंने अपनी वॉलेट चेक किया, अपनी पॉकेट चेक की, तो मुझे पता चला कि यार मेरा एक्चुअली जो एक्सपेंडिचर हो गया हुआ है, जो अभी तक का खर्चा हो गया हुआ है, वो लेट से 9,000 है। अब ये जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है इसको हम कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट। तो बेसिकली जो काम मेरे एस्टीमेट के मुताबिक मुझे जब इतनी दीवार बिल्ड हो चुकी होनी चाहिए थी, उसका मेरे ख्याल में 8,000 खर्चा आना था, बट आया कितना एक्चुअली? वो आ गया 9,000। सो अब मैं अगर अर्न्ड वैल्यू को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करता हूँ, अर्न्ड वैल्यू को एक्चुअल कॉस्ट में कंपेयर करता हूँ, तो ये मुझे कॉस्ट का परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। पहले हमने किया क्या किया था? प्लान्ड वैल्यू को अर्न्ड वैल्यू के साथ किया था, तो वो मुझे बता रहा था कि मैं स्केड्यूल से आगे हूँ, स्केड्यूल के पीछे हूँ, या स्केड्यूल ऑन स्केड्यूल हूँ। अब जब मैं अर्न्ड वैल्यू को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करूंगा तो ये चीज मुझे बताएगी कॉस्ट वेरिएंस। और जैसे मैंने कहा कि सारे फॉर्मूला एक के अंदर अर्न्ड वैल्यू पहले आती है, तो आई वुड से अर्न्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये एक्चुअल में बराबर होती है कॉस्ट वेरियंस के। अब मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। पहला फॉर्मूला हमारा था स्केड्यूल वेरियंस का, और उसमें हमने कहा था कि अर्न्ड वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं या सबका इस तरह कर देते हैं, फ्रॉम सॉरी यहाँ पे प्लान्ड वैल्यू, सॉरी फॉर द बैड हैंडराइटिंग। ओके नाउ अब यहाँ पे आप देखिए कि यार मैंने वॉल 80% बिल्ड की है, और इस पे मेरे प्लान के मुताबिक तो 8,000 लगना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली जब मैं देखता हूँ तो मेरा 9,000 लग रहा है। तो काम मैंने 8,000 का किया है और उस पे लगा कितना दिया है? मैंने 9,000 लगा दिया। तो इसका मतलब है मैं ओवर बजट जा रहा हूँ, और जब मैं ओवर बजट जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए अर्न्ड वैल्यू मेरी 8,000 है और एक्चुअल कॉस्ट मेरी 9,000 है, तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये -1,000 आ रही है। -1,000 का जब भी मेरी ये कॉस्ट वेरियंस नेगेटिव होगी तो इसका मतलब ये है कि मैं ओवर बजट जा रहा हूँ। मुझे 8,000 का काम 8,000 में करना चाहिए था, लेकिन मैंने 9,000 में किया, काम 8,000 का किया और उस पे लगा मैंने 9,000 दिया, ठीक है। सो वेरियंस मेरी जब नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है, कॉस्ट वेरियंस जब नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने बजट से ओवर स्पेंड कर रहा हूँ, आई एम गोइंग ओवर बजट, ठीक है। लेकिन अगर ये जो 80% वॉल मैंने बिल्ड की वो 8,000 में ही होती, एक्चुअल कॉस्ट भी मेरी 8,000 ही होती, तो फिर क्या था? 8,000 माइनस 8,000 वो जीरो आ जाता, और जब जीरो आता है तो इसका मतलब है मैंने जो बजट प्लान किया था मैं ऑन बजट चल रहा हूँ। 8,000 का काम मैंने 8,000 में ही किया, दैट मीन्स मेरी जब कॉस्ट वेरियंस जीरो हुई तो मैंने
बेसिकली जितना काम जितने में प्लान किया था उतने में ही मेरा वो काम कंप्लीट भी हो गया। लेट्स से मैं फर्स्ट वीक में ये दीवार पूरी बिल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, मींस मेरी प्लान वैल्यू जो है वो भी 10,000 होती है। और अभी मैंने कहा कि जब भी आपकी कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो मैं ये कहता हूँ कि ये जितना दीवार थी वो पूरी कंप्लीट हुई तो मैंने वो पूरे का पूरी वैल्यू अर्न कर ली, मैंने वो पूरे का पूरा काम कंप्लीट कर लिया। तो आई सेड कि यार अब मैंने 10,000 की काम भी कंप्लीट किया। तो फर्स्ट वीक में प्लान के मुताबिक मैं स्केड्यूल के लिहाज से, आप यहाँ पे देखिए तो अर्न वैल्यू भी 10,000 है और प्लान वैल्यू भी 10,000, तो मेरी स्केड्यूल वेरियंस जीरो है। जीरो वेरियंस का मतलब मैं बिल्कुल ऑन स्केड्यूल चल रहा हूँ। फर्स्ट वीक में 10,000 का काम प्लान था और मैंने फर्स्ट वीक में 10,000 का ही काम कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब ये जो 10,000 का काम, तो दीवार तो बन गई, लेकिन अब मैं चेक करता हूँ कि पॉकेट चेक करता हूँ, अकाउंट चेक करता हूँ, अपनी इनवॉइसिस को टोटल करता हूँ और वो मुझे बताता है कि यार आपने जो एक्चुअल हमारा एक्सपेंस हुआ है वो हुआ है लेट से 8,000 का। अब आपको क्या लग रहा है, काम मैंने 10,000 का किया है लेकिन मेरा खर्चा कम हुआ है, तो इसका मतलब है मेरी कुछ बचत हो गई है, ठीक है। लेकिन प्लान, बात यह है कि मेरे हिसाब से जो मेरा प्लान था, जो मेरा एस्टिमेट था, ये जो मैंने काम अर्न किया है ये तो 10,000 का होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ये 8,000 का है। सो जब मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला में इसको पुट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिएगा कि एक्चुअल कॉस्ट मेरी यहाँ पे, सॉरी, जो अर्न वैल्यू है वो 10,000 है और जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट है वो 8,000 आ रही है। और दैट मींस अब मेरी वेरिएंस जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव 2,000। तो जब वेरिएंस पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है मैं अंडर बजट काम कर रहा हूँ। जो बजट मेरा था वो 10,000 का था इस काम के लिए, लेकिन मैंने काम कितना कितने में कर लिया, एक्चुअली मैंने 8,000 में कर लिया। सो ये है जी एक्चुअल कॉस्ट, अर्नड वैल्यू एंड प्लान्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट, ये हम अर्नड वैल्यू में यूज करते हैं। और साथ ही मैंने आपको ये भी दिखाया कि किस तरह हम अपनी स्केड्यूल एंड कॉस्ट की वेरिएंसेस चेक करते हैं, ठीक है जी। सो आई होप यू वुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग नाउ। लेकिन इस वक्त हमने सिर्फ एक एक्टिविटी सामने रखी है, अब हम दो तीन और चीजें पढ़ेंगे और बल्कि एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू, नॉट प्रैक्टिकल बट एक देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज हैं या उसकी मंथली कुछ कॉस्ट एस्टिमेट हमने किए हुए हैं तो उनको हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन कैसे बनाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं। सो मैं इस वीडियो को अभी यहाँ पे रोक रहा हूँ सो दैट हम अगले वीडियो में ही पार्ट में ही इसको पूरे का पूरा एक दफा देखें। सो प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो टू बेटर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।